हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। मैं अपने टॉपिक पे आऊँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सीडेंट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और डायरेक्ट कॉस्ट का कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है। तो एक आइसबर्ग थियरी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आइसबर्ग थियरी। आइसबर्ग थियरी में ये बताया गया है, जैसा कि एक ग्लास अगर पानी हो, उसमें अगर एक बर्फ का टुकड़ा हम डालते हैं, तो बर्फ का टुकड़ा का जो ऊपर प्रोपोर्शन दिखाया हुआ है, एक भाग ये ऊपर है, ये है डायरेक्ट कॉस्ट, और जो नीचे का भाग है वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दैट मीन्स अप्रोक्स एक मान के टेंटेटिव आइडिया माना गया है कि अगर एक रुपया डायरेक्ट कॉस्ट में खर्च हो रहा है तो आपका 8 रुपये से लेके 25 रुपीज तक इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है। जैसा कि आइसबर्ग थियरी के अनुसार है कि बर्फ का एक टुकड़ा अगर ऊपर रहता है तो 8 टुकड़ा से लेके 25 टुकड़ा तक वो नीचे रहेगा। तो ये है आइसबर्ग थियरी। आइसबर्ग थियरी में क्या बताता है कि एक भाग ऊपर रहता है वो है डायरेक्ट कॉस्ट, जो भाग ऊपर रहता है वो डायरेक्ट कॉस्ट और जो नीचे रहता है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। तो कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। वो एक्सीडेंट इंजुरी जो भी है उसको उस समय इमिडिएटली ट्रीटमेंट कवर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए जो भी हम कॉस्ट बेयर करते हैं वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। कोई प्रॉपर्टी अगर डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए जो भी हम करते हैं वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। कोई इलनेस है, कोई हेल्थ इलनेस है, उसको रिकवर करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट जो हिडन है, हमको दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत ज़्यादा है, जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग का डैमेज हो गया, लीगल कॉस्ट जितना हो गया, एक ओवर टाइम कॉस्टिंग जितना हो गया, इन्वेस्टिगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो सारे चीज़ें वो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट में करेंगे। उसी टाइम पे जो आपका जो प्रोडक्ट मटेरियल डैमेज हुआ रहेगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। टूल टैकल्स जो भी हैं, इक्विपमेंट आपका डैमेज हुआ रहेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इमरजेंसी सप्लाई जो भी रहेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्शन डिले, मान लीजिए कि सबसे बड़ा कोई आपका प्रोडक्शन जो डिले हो रहा है उससे क्या होगा, आपके इमेज पे भी, जो कस्टमर को सप्लाई करना है उस पे भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। उस टेम्प्रोरी लेबर हायर करने पड़ेंगे वो भी आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा। सुपरविजन टाइम, उसको पूरा देख रेख करने के लिए जो भी फाइन पेनल्टी, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएंगी। और सबसे बड़ा इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है आदमी का थिंकिंग, मोरल। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एक ट्रेंड पर्सनल है, उसके बदले आप एक अनट्रेंड पर्सनल को लेके आते हैं, वो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो हमेशा आदमी क्या डायरेक्ट कॉस्ट बचाने के चक्कर में लगा रहता है। अगर कोई एक रुपया का चीज़ अगर हम बचाने के चक्कर में लगे हैं और उससे हमको 8 रुपये से 25 रुपये तक अगर नुकसान हो रहा है तो हमें 1 रुपीज को नहीं बचाना चाहिए, हमें उसको वेयर करना चाहिए। तो हमें हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में ज़्यादा सोचना है। एज पर आइसबर्ग थियरी हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 1 रुपीज डायरेक्ट कॉस्ट है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको 8 रुपीज टू 25 रुपीज तक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।